सूर्या सिन्हा सर ने फॉरएवर लिविंग बिजनेस क्विट कर दिया, क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कोई कमी था? क्या ओके लाइफ केयर बेटर था? क्या सूर्या सिन्हा सर ने सही डिसीजन दिया और उनकी टीम का क्या होगा? ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा अलग अप्रोच से समझेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक क्वेश्चन कि आपको ये न्यूज़ पता क्यों चला और कैसे चला, राइट? ये आपको पता इसलिए चला क्योंकि सूर्या सर ने अपना पहचान बनाई है। सूर्या सर एक पर्सनल ब्रांड है, उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, राइट? अब इससे ये पता चलता है कि अब देखिए, आज के टाइम पे बहुत लोग एम्बे छोड़ के फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरएवर छोड़ के ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर रहे हैं, ओके लाइफ छोड़ के एम्बे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज छोड़ रहे हैं, बट उसका न्यूज़ नहीं बनता, आपको पता नहीं चलता। आपको ये पता चला क्योंकि उनकी अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनी है इस प्लेटफॉर्म में, उन्होंने बनाई है, अपनी पहचान बनाई है, राइट? तो बात कंपनी या इंडस्ट्री की नहीं है, कंपनी इंडस्ट्री कम सेकेंड, यू कम फर्स्ट, ओके? सो यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए सूर्या सिन्हा सर की जैसे, ताकि ये न्यूज़ भी बने, right? अब दूसरा बात ये है कि अब आप इस डिस्कशन में एक दो वीक अपना ख़राब कर दोगे ये सोच के कि फॉरएवर में क्या बुरा था, इसमें क्या अच्छा था, ये सारी चीज़ें सोच के आपको कोई आंसर तो नहीं मिलेगा, बट आप फ्रस्ट्रेट ज़रूर हो जाओगे एंड अपना समय ख़राब कर दोगे। बल्कि इसके जगह आपको फोकस करना चाहिए कि अपनी पहचान कैसे बनाएं, अपनी इनकम कैसे बनाएं, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी कंपनी या कोई भी लीडर आपका घर नहीं चलाएगा, आपका अपना फैमिली है जिसको आपको खुद देखना है। तो आपको सोचना चाहिए कि अब मैं अपनी इनकम कैसे बनाऊं, अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं एंड अपना प्रेजेंस इतना स्ट्रांग कैसे कर दूं कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ना पड़े। आज सूर्या सर को किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ जाते हैं न्यूज़ उनसे बनता है क्योंकि उनकी पहचान है। तो आपको अपने पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि कौन कौन से कंपनी को छोड़ के जा रहा है, कौन कौन से कंपनी में है, कौन किस में जुड़ रहा है। आपको दिखना चाहिए कि आप उस पोजीशन पे रह के, उस अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रह के आप अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हो, अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हो। तीसरा बात ये सोचने का है कि आपने भी नोटिस किया होगा, जितनी बार भी मैं कंपनी इवेंट्स पे गया हूँ, मैंने हमेशा नोटिस किया कि पिछले वाले इवेंट से लेकर इस इवेंट पे अक्सर 50% लोग गायब भी हो जाते हैं, राइट? वो दिखते ही नहीं है वापस से कभी। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द बिजनेस कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे। द रियल क्वेश्चन इज कि आप क्या कर रहे हो अपने बिजनेस पे रहने के लिए और अच्छा करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। अब सूर्या सर ने जो डिसीजन लिया, उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा, बहुत ही समझदार और सेंसिबल इंसान है, उनकी अपनी फैमिली है, अपने लिए जो बेटर डिसीजन था उन्होंने लिया। एंड इस पे हम क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते, राइट? बल्कि ये जो चीज़ मैंने बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करके, उनसे सीख के ही आपको बता रहा हूँ, राइट? जब भी मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने मुझे इनकरेज ही किया है कि बिजनेस में और बेटर कैसे करना है। कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को लेके बात नहीं किया, रियल एस्पेक्ट कि बिजनेस कैसे होता है उस चीज़ से बात किया और वैल्यू कैसे प्रोवाइड किए उस चीज़ों पर लेके उन्होंने डिस्कशन किया है। सो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी अपने लिए डिसीजन लीजिए, आपके लिए बेटर क्या है वो डिसीजन लीजिए, उसके हिसाब से काम कीजिए जैसे सूर्या सर ने किया। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि टीम का क्या होगा, राइट? टीम तो खराब हो जाएगी, टीम तो काम नहीं कर पाएगी। तो रियल क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप जब ये एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में ही प्रॉब्लम है, राइट? लोग अपने टीम को सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से सिखाते ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट? तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको ये सोचना है कि आपको अपने टीम को इंडिपेंडेंट बनाना है कि डिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट तभी बना पाओगे जब आप राइट कल्चर, राइट सिस्टम को फॉलो करोगे और टीम में वही प्रमोट करोगे, राइट? डुप्लीकेशन आपका नहीं होगा, आपके सिस्टम का होगा। सूर्या सर आज ये डिसीजन इसलिए ले पाए क्योंकि उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को इंडिपेंडेंट बनाया, राइट? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। सबको ये रियलाइजेशन है कि उनकी अपनी फैमिली है, काम उनको खुद ही करना है, कोई कंपनी या लीडर उनके लिए काम नहीं करेगा, राइट? उनके लिए हमेशा काम नहीं करेगा। अपलाइन तो एक बोनस है, राइट? कि वो आपको गाइडेंस देते हैं, बट रियल काम तो आप ही को करना है, बिजनेस आप ही का है। सो ये सारे पॉइंट्स ये दर्शाते हैं कि सूर्या सर ने जो डिसीजन लिया अपने कैपेसिटी में, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझदारी से लिया, एंड वी शुड बी प्राउड कि हम कभी उनके साथ एसोसिएटेड थे, उनसे बहुत चीज सीखने को मिला और आगे भी सीखते रहेंगे चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो। सो दिस वॉज माई टेक कि सूर्या सर ने क्यों शायद एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच किया, क्या वो सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही ग्रोथ माइंडसेट और अच्छे माइंडसेट के हैं। और इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो फॉरएवर से थे, मैं ही फॉरएवर से हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि एज अ पर्सन मैंने उनको समझा है, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको और लोगों से शेयर करना है ताकि आप पॉजिटिव रहो और अपने काम पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो कि आप अपना प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, उस पर ध्यान दो। और रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हो और नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड
और भी सोर्सेस ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते हो बिना किसी पेड टूल के, तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है एक 28 मिनट्स की मास्टर क्लास है, उसको देखिए। उससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अराउंड और सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करें ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े। कल को आप भी किसी कंपनी को स्विच करो या फिर कुछ भी डिसीजन लो, आपके इनकम परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जाके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। और कीप सपोर्टिंग मी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि और भी इंसाइटफुल वीडियोस में लेके आता रहूंगा, अपने ओपिनियन शेयर करता रहूंगा। एंड जो भी आपका थॉट है इस चीज पे, इस इवेंट पे, तो कमेंट पे आप बता सकते हैं, मैं आप सबका कमेंट पढ़ूंगा एंड एक्साइटेड टू सी कि आपका क्या ओपिनियन है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।